भाई रविंदर फौजदार जी अपने चुनाव के लिए जिस तरीके से आज बल्लभगढ़ की जनता का मन को मोहने का काम और उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए जो प्रयास और संघर्ष हमारे छोटे भाई रविंदर फौजदार जी ने किया है, उसके लिए हम पत्रकार साथियों के माध्यम से बल्लभगढ़ विधानसभा की देवतुल्य जनता को ये निवेदन करना चाहते हैं कि दो दिन पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जो बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता से अपील की कि हमारे प्रत्याशी को तीसरे नंबर के बटन भाई रविंदर फौजदार को ढेर सारी मतों देकर विजयी बनाए, उसी संदर्भ में आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और पुनः स्वागत। एक पोस्टर जो है लगातार वायरल हो रहा है जिस पर आम आदमी पार्टी कुछ 8 लाख रुपए की बात कर रही है, क्या है विस्तार से बताएं। मैं बताता हूँ, बताओ। ऐसा है, हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब के अंदर लोगों को सुविधाएं दे रही है, उनके बारे में बता दूं। आमतौर किसी परिवार में यदि 2 बच्चे होते हैं और वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों की जो फीस का अकॉर्डिंग लगाएं तो साल के अंदर उन दोनों बच्चों की फीस लगभग 70 से 75 हज़ार के करीब बैठती है। 300 यूनिट हम हरियाणा के अंदर फ्री देने वाले हैं बिजली की, 30,000 रुपये सालाना ये बनते हैं। इसके बाद यदि महिलाओं के बस के किराए की हम बात करें तो सालाना 6,000 रुपये कम से कम उनको लाभ होता है, 6,000 ये ऐड कर लीजिए। इसके बाद फिर हम बात करें सरकारी अस्पतालों के अंदर प्राइवेट से बेहतरीन इलाज और तमाम टेस्ट जो हम निःशुल्क अपने सरकारी अस्पतालों में कराएंगे उनको यदि आप जोड़ते हैं वो आपके करीबन करीब महीने के साल के 15,000 करीब हम इसको काउंट करते हैं। हम ये दे रहे हैं, हम ये आपको ये बता रहे हैं, हम आपके बच्चों के जीवन शैली को और आपके परिवार को खुशहाल बनाने का रास्ता निकाल के लाएंगे। आम आदमी की जो तनख्वाह 70% इन 4 खर्चों में खर्च हो जाती है, उसके बच्चे के पास बढ़िया खाना और बढ़िया पहनने की व्यवस्था तक नहीं बचती। हम लोगों से कहना चाहते हैं आपके ये खर्चे सरकार उठाएगी, आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, परवरिश दीजिए और उसके खुशहाल जीवन दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए का लाभ आपको पहुंचाएंगे, सड़क सीवर की बात नहीं कर रहे। सड़क सीवर एक कॉमन चीज है, वो जरूर सरकार के पहली प्रायोरिटी में होती है, लेकिन सभी योजनाओं के लिए ना इसमें कोई हम जाति देखते ना धर्म देखते, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। ये बातें पोस्टर सभी रहेंगे धरातल में। देखिए भाई साहब, धरातल में पंजाब और दिल्ली के अंदर ऑलरेडी उतर चुके हैं। हमने आपको बोला ना, हम बार बार बात करते हैं, हम वादे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। केजरीवाल की गारंटी मशहूर है। देश की एकमात्र ईमानदार पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो वायदे किए, देखो वायदे तो आज राजनीतिक पार्टियां हमारी होड़ा देख के और भी करने लगी। दूसरी पार्टियां भी बिजली फ्री देने की बात करती है, लेकिन हम उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी और राज्यों में सरकारें हैं, हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब। जो वायदा हम हरियाणा की देवतुल्य जनता से कर रहे हैं वो काम हम करके दिखा रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते कोई भी राजनीतिक पार्टी या दल कि हम भी कर रहे हैं और हरियाणा में भी करेंगे। आज तो ये जिस तरीके की बात करते हैं, सिर्फ ये लुभावने वादे, जिस तरीके से 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे उस तरीके से 2100 रुपये सम्मान राशि भी बहनों और माताओं के अकाउंट में आ जाएगी। हमने 1000 रुपये सम्मान राशि हर उस माता बहन के लिए रखी है 18 वर्ष से अधिक, और हम पंजाब में दिल्ली में करके दिखा दें। अभी आपका सवाल था कि ये राशन कार्ड और ये बनाने के लिए परेशानी, दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जो आपका कोई भी 115-120 तरह के सर्टिफिकेट घर आके बनाती है, डोमिसाइल हो राशन कार्ड हो, आपको सिर्फ एक कॉल मारनी पड़ती है और आपकी सहूलत के अनुसार अगर आप नौकरी करते हो तो जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन वो आपको मिल जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट लेगा और आपको वो प्रमाण पत्र बना देगा। एक चीज बताएं, आप ही की लोकसभा में आप ही के कैंडिडेट आप ही लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, वो खुद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, किसी कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा। तो आप बात कर रहे हैं हरियाणा में सरकार जी, जवाब विकास जी, इस देश के अंदर जब जंगे आजादी लड़ी जा रही थी ना, तो उस टाइम देश के अंदर भी बहुत गद्दार थे जो अंग्रेजों की चापलूसी किया। आज राजनीति के मायने बदल दिए अरविंद केजरीवाल। जब राजनीति में बदलाव आया, परिवर्तन आया, और जो वर्षों से बैठे हैं सत्ता को काबिज करके, जो बहुत मजबूत पार्टियां जो
भ्रष्ट तंत्र के अंदर आज ये जीता जागता उदाहरण है। आप तो एक उम्मीदवार को तोड़ने की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी सरकारें तोड़ दी। महाराष्ट्र के अंदर एमसीपी को तोड़ दिया, उनकी घड़ी तक को चुनाव चिन्ह छीन लिया, शिवसेना का वो भी तोड़ दिया। आप तो एक उम्मीदवार, और वो देखो उस उम्मीदवार की छवि आप किसी साथी से छुपी भी नहीं थी। उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के बस जो ये काम किया, देखो पार्टी ने उन्हें मान दिया, सम्मान दिया, उम्मीदवार बनाया, हर समय समय पर उनकी मदद की। तो आज अगर आप ये कहते हो उसके लिए, आज बाकी सीटों पे हमारे उम्मीदवार पूरी ताकत से लड़ेंगे। उसका उदाहरण रविंद्र भोलता जी, मतलब आपने चुनाव शुरू किया, स्थितियां अलग थी, चुनाव पूर्ण हो चुका है, आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, अब हम आपसे पूछे मुकाबला किसके साथ? हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पल्लव और केंद्र दिल्ली और पंजाब की तरह इतिहास को दोहराया जाएगा। अब ये कहें किसी के साथ है, मतलब आपको बाहर मुकाबला, हम हमारे सामने सब मुकाबले से बाहर। रविंद्र जी, जो केजरीवाल जी आपने भारी बिल्डिंग में क्या जनादेश, लोगों की रुचि बहुत थी, इंटरेस्ट बहुत था, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा उस दौरान आप सभी लोग उपस्थित भी रहे, जिस प्रकार का जोश जुनून लोगों के अंदर था केजरीवाल जी को लेकर के, हमारा चुनाव उसी दिन तय हो गया था कि इस बार बल्लभगढ़ के अंदर जारी चलने वाली, लोगों का पूरा शौक है, पूरा मन। मैं आपको बताऊँ, पूरे बल्लभगढ़ के अंदर एक भी सेक्टर एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पीने का पानी आ रहा है, ऐसी कोई जगह ना मिली जहाँ पर कोई सीवर की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, ऐसी कोई स्थान नहीं मिला जहाँ लोग नगर निगम के कारगुजारी से दुखी ना हो, फैमिली आईडी और राशन कार्ड कटने से दुखी ना, ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जिसके आसपास कूड़े के ढेर ना लगे, और कहीं पर भी मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे संतुष्ट नहीं दिखाई दिए, सरकारी अस्पतालों से कोई संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। कुल मिलाकर के वर्तमान की सरकार ने बल्लभगढ़ का घंटाघर कर दिया, लेकिन जनता ने बदलाव का पूरा मन बना दिया। इस बार जिन लोगों ने बल्लभगढ़ को लूटने और छलने का काम किया, जिंदन को सोच लिया। भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, और बाहर प्रदेश के दूसरे प्रदेश के सीएम भी आ रहे हैं, यहाँ की कैंडिडेट से जिताने के लिए तो सिर्फ प्रभाव पड़ेगा। देखिए जिस वक्त हमारे सबसे लोकप्रिय नेता इस देश के अरविंद केजरीवाल जी बल्लभगढ़ में आए, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रैली बल्लभगढ़ के पास में थी, उसी वक्त सेम टाइम पे दोनों एक साथ, और जिस तरीके से बल्लभगढ़ के अंदर लोगों ने अरविंद जी के रोड शो के अंदर अपना जज्बा दिखाया, जज्बा दिखाया, उससे पता चल गया कि किसी अन्य के आने से बल्लभगढ़ के अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्लभगढ़ का जन जो जी लगातार आपकी जनसभाओं में जो भीड़ बढ़ती चलेगी, या और भी उन्होंने पूछे लगातार आपकी जनसभाओं में भीड़ बढ़ती, आप ही पीछे जा रहे हो, लोगों ने पूछे लगातार आपकी जनसभाओं में लगातार व्यायाम होता है कि भीड़ बढ़ती जाएगी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? लोगों का उत्साह है, वो चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब की तरह सुविधा यहाँ मिले। जिस प्रकार से लोग महंगाई से त्रस्त हैं, दिल्ली के अंदर ग्रेड सड़कें हैं, यहाँ पर 11,000 ये 7,500 रुपये का अंतर एक महीने की तनख्वाह के अंदर किसी मजदूर के जीवन को बदलने वाला है। उनको तो लगता है इस बार यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो उनके लिए भी यहाँ पर ग्रेड ऐसा होगा, यहाँ के स्कूल भी बदलेंगे। उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उनके जीवन को, उनके बच्चे के भविष्य को गौरव हो जाएगा, बदलाव लाएगी, इसलिए लोग बहुत बड़ी संख्या में बड़ी खुशी हुई। जी सर, पूछा क्लियर हो गया, समाप्त कर दीजिए आप पूछ रहा, बहुत सारी भीड़ आपके यहाँ आई, आरोप आपके ये है कि आपको कैसे से भीड़ हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत आसान सा आरोप है किसी को नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कारागर मेरे पास कम से कम 100 समर्थक बैठे हुए, अब जाकर के मिले उनसे किस लिए बैठे कैसे आए, जब मेरे साथ परिवार के अंदर 100 लोग, पूरा बल्लभगढ़ मेरा परिवार है, सभी लोग वहाँ आते हैं, और कुछ ना कुछ लोगों को तो नकारात्मक निकालनी है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की, बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, लोगों के प्रति उनके अंदर लोग फिर आज भी थी, ये चीज़ें चटकती रहती हैं, आरोप लगते रहते हैं, उनसे कुछ 100%। धन्यवाद।